totally like this record tool, and हमारा spy hunt जिसमें different different technique हम आज देखेंगे, and last is my own double tool जो है Sanyon Secret Finder. So hello friends, welcome to my channel Sanyon Hacks. तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की जो है रिकॉन पे. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो रिकॉन टूल डेवलप किया था वो था सीक्रेट फाइंडर, जो कि बिलोंग था हमारे गिटहब एंड गूगल डॉग वेक्स पे. उस टूल की हेल्प से हम जो है हमारे टारगेट जितने भी सीक्रेट डिटेल हैं जो कि सेफ है आपकी गिटहब या गूगल पे, तो हम उसको फाइंड करते थे. और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख सकें कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो टूल डेवलप किया था वो किस तरह से काम कर रहा था हमारे बग बाउंटी हंटिंग में. तो हमारे जो आज की वीडियो है इसमें हमने एक टूल और डेवलप किया है जो है कुछ इस तरह से. तो इस टूल का जो आज का वर्क रहेगा पार्ट वन का, उस पार्ट वन में हम काम करेंगे हमारे सिंपल रिकॉन की. एंड स्लोली स्लोली जब मैं पार्ट टू इसका लाऊंगा तो इसमें कुछ और नए फीचर ऐड करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से ऐड करें हैं, और आप भी इसमें अपने फीचर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये टूल भी मैंने विदाउट कोड टोलीज AI की हेल्प से ही बनाया है. तो बातों को ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो लेट मी चेक. ओके, तो सी हैकर वन पे ये हमारा टारगेट, एक न्यू टारगेट है. और बेसिकली जो मैंने आपसे बोला है आपको हमेशा टारगेट लेना चाहिए वाइल्ड कार्ड, सी लाइक दिस. मैंने अपना ये वाइल्ड कार्ड टारगेट ले लिया, इसे कॉपी किया, देन ओपन माय टूल. यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी किया एंड क्लिक ऑन लाइव होस्ट. जैसे ही मैं लाइव होस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू. तो ऑटोमेटिक इसका जो बैक एंड पे प्रोग्राम है वो तो ट्रिगर होगा जो कि सब फाइंडर को यूज़ करेगा और जितने भी सब डोमेन हैं इस डोमेन से रिलेटेड वो उन सबको फाइंड करेगा. एंड फाइंड करने के बाद उनको फिल्टर करेगा एंड हमें सिर्फ वही सब डोमेन ये शो करेगा हमारे इस स्क्रीन पे यहाँ पर जो कि लाइव है विद सम जूसी इंफॉर्मेशन. लेट मी शो यू हाउ. मैंने क्लिक किया सब डोमेन लाइव पे, सी इसने आपको डिटेल देने स्टार्ट कर दी. तो इन वीडियो में आप देख सकते हैं ये स्लोली स्लोली काम करता रहेगा, आप जितनी यहाँ क्लिक करेंगे उतनी बार ये ऐड करता रहेगा. ठीक है, तो और डाटा ऐड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि ये हमारे जितने भी लाइव डोमेन है उनको कलेक्ट करेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा आपको. सी हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आप देख सकते हैं. जो पहला है ये XTM प्रोजेक्ट मैनेजर लाइव लॉगिन, सॉरी लॉगिन पेज, सेम ही नीचे XTM प्रोजेक्ट मैनेजर. आई थिंक यहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है. तो आप देख सकते हैं ये जितनी लिंक है ये क्लिकेबल है. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा यहाँ पर. कुछ में ये सपोर्ट करता है, मेरे में ये सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करूँगा. बट डेफिनेटली आपके में सपोर्ट करेगा. तो ये मैंने कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल वी, नाउ क्लिक ऑन हिट एंटर. तो सी हमें एक लॉगिन पेज मिला है जो है पावर्ड बाय XTM. चलिए एक बार चेक करते हैं ये XTM क्या है. XTM ओके, क्लिक एंटर. तो ये कोई XTM जो है ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है. तो ये जो हमारा टारगेट है इस टाइम रन हो रहा है किसी क्लाउड बेस्ड सर्विस पे. तो सिंपल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन जो GSP को हटा के
पहले डेट रन करेंगे। ओके सेम यहाँ फिर से लॉगिन आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल करके इसे कॉपी करेंगे और हमारा जो टारगेट है इस पर हम एक बार क्या करेंगे, डीआईआर सर्च यूज करेंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा पहला टारगेट हो चुका है स्टार्ट। वापिस आते हैं टूल पे, चेक करते हैं ओ डाटा मिलता है। यस हमें ओ डाटा मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर वेब रिसोर्स रूट की मिला है यहाँ पर। ओके तो ठीक है, फिर ये हमारा डाटा है, इन डाटा को हम यूज करके अपना बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में है वे बैक यूआरएल। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता है वे बैक यूआरएल का यूज क्या होता है, बट मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वे बैक यूआरएल में जो हमारे डोमेन होते हैं उनको ये क्रॉल करते हैं, और क्रॉल करने के बाद वो सारे लिंक को ये स्क्रीन पर शो करते हैं। लेट मी शो यू हाउ। मैंने क्लिक किया वे बैक यूआरएल पे, उसने क्या किया, इसने सारे सब डोमेन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ये उस पर जो है कनेक्टिविटी चेक करेगा, देन जितने भी यूआरएल उस पर अवेलेबल होंगे एज पर कैपेसिटी, इन सबको कलेक्ट करेगा और आपको जो है यहाँ स्क्रीन पे शो करेगा। और अगेन ये बैक एंड में वर्क करता रहेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है लाइव पे, डेटा आता रहेगा और यहाँ शो करता रहेगा। ओके तो ये उसको कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के बाद यहाँ शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो है टूल का काम। अभी इस टूल में मैंने यही दो टेक्निक को ही ऐड किया है। तो मेरी जो पार्ट टू रहेगा, उस पार्ट टू में जो मेरा लाइव होस्ट होगा मैं इसको अपग्रेड करूँगा, और इस समय जो हमें सिंगल सब डोमेन के थ्रू सब डोमेन के रिजल्ट शो कर रहा है, तो मेरे पार्ट टू में जब मैं इस टूल को अपग्रेड करूँगा तब ये इस डोमेन से चार बार स्कैन करेगा चार टूल। फॉर एग्जाम्पल इस एक टारगेट को हमारा एमास, सब फाइंडर, सब लिस्टर एंड डोमेन फाइंडर, ये चार टूल जो है इसको स्कैन करेंगे, सब डोमेन कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जितना भी डाटा हमें मिलेगा उस डाटा को एक सिंगल डाटा फॉर्म में रेडी करके उसके लाइव होस्ट को हम यहाँ शो करेंगे। डेट मीन्स मोर डाटा मोर टारगेट, जिसमें आपको डाटा एक्स्ट्रा मिल सकता है, आप उन्हें कर सकते हैं कलेक्ट। ओके अब मैं बात करता हूँ थोड़े से इस सॉफ्टवेयर के बैकएंड की। चलिए आते हैं, ये सॉफ्टवेयर है ये वर्क करता है हमारे कुछ अवेलेबल डेटा पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मेरे रिजल्ट ऑफ टीएसटी पे, मैं इसका डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये डेटा ओपन हो गया। और ये क्या है, ये है मेरा सारा डेटा जो मेरे को यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा था। ओके अब आता है दूसरे पे, तो ये हमारा जीएस फाइंडर, जैसे मैंने उसे ओपन किया सी अभी ये डाटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कोई डाटा अभी तक नहीं है। जैसे यहाँ डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा ये इसे फेच करके यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे वीवे क्यूआरएल में हमारा सब डोमेन ट्रिगर होता है और वो इस डोमेन से सारे सब डोमेन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद फिर वो HTTPS को यूज़ करके उनको लाइव को चेक करता है, और लाइव को चेक करने के बाद फिर वो वीवे क्यूआरएल को यूज़ करके यहाँ पर आपके रिजल्ट को शो करता है। तो चलिए इसका मैं आपको एक बार कोडिंग दिखा देता हूँ। ये इसकी कोडिंग है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट टू को भी बताऊंगा आपको इस कोड को यूज करके किस तरह से इस टूल को आपको ऑपरेट करना है। ओके तो आप देख सकते हैं हमारा जो टूल है, ये जितनी भी हमारे टूल होते हैं इनबिल्ट लाइक सब फाइंडर, HTTPX और आपका वीवेक, इनबिल्ट टूल को यूज करके ये
सी यूज करता है इनबिल्ट टूल को सी, और जो डेटा है हमारा वो सेव करता है हमारे हिडन फॉर्म में, हमारे होम डायरेक्टरी में यहाँ पर, और वहाँ से उस डाटा को जो है हमारा सॉफ्टवेयर कलेक्ट करता है और यहाँ स्क्रीन पे शो करता है। सी डाटा आना स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर यह दिखा रहा है। तो यही इसकी फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो में हमने जो है सीखा कि किस तरह से हमने ये टूल को डेवलप किया और इसके फंक्शन हमने कैसे कैसे ऐड किए इस पैथन टूल में। इस कोड को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन से। एंड ये टूल को मैंने किस तरह से बनाया, उसके लिए मैंने यूज़ किया चैट जीपीटी। आपको सिंपल इस कोड को जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा चैट जीपीटी में पेस्ट करना है, और एज पर योर प्रॉम्प्ट कि आपको क्या चीजें चाहिए कह के उसमें जो है आपको आपके अकॉर्डिंग फंक्शन ऐड करने हैं एंड टूल को अपग्रेड करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे इसके अपग्रेड पार्ट की, कि इससे हम किस तरह से अपग्रेड करेंगे। ओके, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। We'll be right back.